Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Rakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए जब महिलाओं का ovulation होता है, ovulation का मतलब है जो follicle आपका तैयार हुआ है फूटने को, वो फूटता है और उसमें से mature अंडा release होने के बाद fallopian tube में चला जाता है. इसी process को हम ovulation कहते हैं. और ओविलेशन ही एक ऐसा दिन होता है, इसी दिन स्पर्म सेल एंड एग सेल का मीटअप हो सकता है, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी भी कंसीव हो सकती है. अगर ओविलेशन के दौरान स्पर्म सेल एंड एग सेल सक्सेसफुली मिल गए हैं, एग फर्टिलाइज हो गया है, तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में ऐसा कौन सा बदलाव होता है जो सबसे पहले देखने को मिलता है, क्योंकि इसे जान के आप अपने इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को भी इंक्रीज कर सकते हैं. क्योंकि ओविलेशन के दौरान सिर्फ एग सेल एंड स्पर्म सेल का मीटअप हो सकता है, एग फर्टिलाइज हो सकता है. उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 7 दिन का टाइम लगता है. जो ये 1 हफ्ते का टाइम होता है, 7 दिन का टाइम होता है, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हर एक महिला के लिए. यहाँ पे बहुत सी सावधानियाँ आपको बरतनी होती हैं जिससे आपका इम्प्लांटेशन सफल हो सके. इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है बच्चा सक्सेसफुली गर्भाशय की दीवार पे चिपक सके, तभी जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है. उसी के बाद से महिलाओं की प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है. उसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में नए नए से हार्मोन राइज होना शुरू हो जाते हैं. प्रेगनेंसी हार्मोन जिसे हम एससीजी कहते हैं, वो भी राइज होना शुरू हो जाता है. अगर आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपका प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो उससे आप डूज एंड डोंट्स फॉलो करके 101% श्योर हो सकते हैं कि इस महीने आपके गर्भाशय की दीवार में बच्चा चिपक जाएगा और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी. तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी बॉडी को वॉच करना है, और बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, ओविलेशन के बाद मेनली महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है. प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी काम करता है और एस्ट्रोजन हार्मोन भी काम करता है. तो एस्ट्रोजन हार्मोन का काम होता है, ये सपोर्ट करता है जो ब्रेस्ट की डक्ट्स होती हैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है. और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम होता है जो मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स होती हैं उनको फॉर्म करता है, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करता है. तो दोनों का ही काम होता है. आपने देखा होगा जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो प्रेग्नेंट होने में बहुत ही अर्ली फेज में ही महिलाओं के निप्पल से ऐसा डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी पहले दिन से ही ब्रेस्ट फीडिंग के लिए तैयार हो रही होती है, जिसकी वजह से ये चेंजेस महिलाओं को देखने को मिलता है. उसका कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है. बट उससे पहले महिलाओं के ब्रेस्ट में चेंजेस दिखना शुरू हो जाते हैं अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है. तो आप देखेंगे अगर एग फर्टिलाइज हुआ है तो ब्रेस्ट की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा हो जाती है, हाइपर हो जाती है. कई महिलाओं को पीरियड आने से पहले भी ये होता है, बट आप नोटिस कीजिएगा अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये सेंसिटिविटी आपकी डबल हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है. निप्पल का जो पोर्शन होता है उसमें आपको इचिंग होने लगती है, निप्पल में पेन होने लगता है. ये पेन आपको निप्पल में भी होने लगता है, निप्पल में खुजली होने लगती है, साथ में ये पेन आपके ब्रेस्ट एरिया में भी आपको फील होने लगता है. टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, सोरनेस जैसी फीलिंग होती है, टिंगलिंग सी सेंसेशन आपके ब्रेस्ट में होने लग जाती है. ब्रेस्ट आपको भारी लगने लगती है, साथ में फूली फूली सी लगने लगती है. आपको ब्रेस्ट का साइज अपना थोड़ा इंक्रीज लगेगा. वो इसीलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट हो गया होता है. और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो ब्रेस्ट की वेन्स हैं यानी जो नसें हैं, वो आपको बिल्कुल भी अगर आपको पीरियड आने वाला होगा नहीं देखेंगे, बट अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपको ऐसा पर्पलिश ब्लू कलर की वेन्स भी दिखाई देने लगती हैं. और इसके साथ जो एरोला का एरिया होता है, निप्पल का एरिया होता है, उसका कलर डार्क हो जाता है. जो पहले आपको पिंकिश लगता था वो आपको दिखेगा डे बाय डे उसका कलर डार्क हो रहा है, क्योंकि महिलाओं की बॉडी में प्रेग्नेंट होने में जो पिगमेंटेशन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सबसे पहले ये चेंज आपको दिखाई देता है अपनी ब्रेस्ट में. प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बट उसकी वजह से महिलाओं के ब्रेस्ट में जो टाइटनेस ऐसी फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है. आपको अपने ब्रेस्ट ऐसे कड़क
टाइट फील होने लगते हैं, एठन जैसी फीलिंग होने लगती है आपको दोनों ब्रेस्ट में। इसके साथ आपको ब्रेस्ट में लम्ब्स यानी गांठे भी महसूस हो सकती हैं। ये गांठे गाइज होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग डक्ट्स, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं की बॉडी में, महिलाओं के ब्रेस्ट में ऐसा फीलिंग होने लगती है गांठे जैसी। और इसके साथ ब्रेस्ट के जो निप्पल का एरिया उसमें छोटे छोटे से बम्प्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये छोटे से बम्प्स अगर आपको दिखते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये सिर्फ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है जो दर्शाती है कि महिलाओं की बॉडी ब्रेस्ट फीड के लिए तैयार हो रही है। तो कुछ इस तरीके के चेंजेस अगर आपको ओवुलेशन के 4-5 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आप प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं। और इस कंडीशन में आपको ये नहीं करना है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, अगर आपकी पीरियड मिस हो जाती है तो एक हफ्ते का इंतज़ार करना है, क्योंकि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी में एससीजी हार्मोन राइज होता है, जो डे बाय डे राइज होता है, और एससीजी हार्मोन हर 72 आवर्स में डबल हो जाता है। तो एससीजी हार्मोन तभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में डिटेक्ट हो पाएगा जब उसका लेवल ठीक होगा। अगर लेवल कम होगा तो प्रेग्नेंट होने के बाद भी आपका नेगेटिव आ सकता है। तो इसीलिए पीरियड मिस हो गई तो उसके एक हफ्ते तक इंतज़ार कीजिए, उसके बाद यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कर लेना है, जिससे आपको 101% कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि जो आपकी बॉडी में ब्रेस्ट में चेंजेस हो रहे थे वो आपके प्रेगनेंसी की वजह से ही हो रहे थे। तो ये बहुत ही अर्ली फेज के प्रेगनेंसी के लक्षण हैं, जिनकी इंटेंसिटी आपको दिखेगा आपके ब्रेस्ट में इंक्रीज हो रही है, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको ब्रेस्ट में ये चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से आप अपनी प्रेगनेंसी का पता कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं पीरियड डेट से पहले। एंड यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।